Write a C program to find all the prime number till the value of n or 1 to n. Previous cases में discuss किया था only to check the given number is prime or not. इसे randomly कोई भी particular number enter करने के बाद आप test करोगे number prime है कि नहीं. लेकिन इस case में test क्या करना है? 1 से लेकर n तक जितने भी numbers हैं सभी numbers को test करना है given number is prime or not. First one, suppose that n value is 100, n value is 100 or 20 or 13 like that. पहले छोटा सा नंबर यूज करना, सपोज दैट n वैल्यू इज 20. 20 के केस में मींस टेस्ट क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20. इस रेंज में से n 20 के केस में लास्ट वैल्यू और n. इस रेंज में जितने भी नंबर्स ऑकर हो रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, इनमें से फाइंड आउट करना ओनली, डिस्प्ले कराना ओनली प्राइम नंबर्स. मींस मैं 1 को कंसीडर कर रहा हूं इस प्लेस पर एज अ प्राइम, क्योंकि 1 के केसेस में, और 1 सिंपली कंसीडर कर सकते हो एज अ नॉन प्राइम. मींस डिपेंड्स अप टू यू. मैं बात कर रहा हूं आफ्टर दैट 1 एंड 2. 1 और 2 के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं जिस केस में आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो 1 प्राइम है कि नहीं और 2 प्राइम है कि नहीं, क्योंकि 1 और 2 इस केस में स्टार्टिंग ही कहां से करते हैं, 2 से. 2 से टेस्ट करो, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 मींस नंबर इटसेल्फ. इस केस में मैं अज्यूम कर रहा हूं बोथ आर नॉन प्राइम नंबर्स. मींस 1 और 2 के लिए कोई भी स्पेसिंग रूल अप्लाई करना है. मींस फाइनली टेस्ट करूं फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स. मींस थर्ड के केस में अगर टेस्ट करें 3 के केस में सबसे पहले 3 का डिवीजन किससे होगा, 2 से. मींस कोई भी नंबर डिवाइड किससे करोगे, नंबर मींस फ्रॉम 2 से स्टार्ट करना है, 2 से लेकर n by 2 तक. इस केस में 3 कैसा, 3 इज अ प्राइम. 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 4 किससे डिवाइड हो रहा, 2 से. 5 इज अ प्राइम. 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज़ 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है. 7 इज अ प्राइम. अगेन 8 इज नॉट अ प्राइम बिकॉज़ इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 और 4. 9 इज नॉट अ प्राइम बिकॉज़ इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3. 10 is not a prime because it can be divided by 2 as well as 5. 11 is a prime. 12 is not a prime, can be divided by 2, 3 or 6. Next one, or can be divided by also 4. 13. 13 is a prime. 14 is not a prime, can be divided by 2 as well as 7. 15, 3 or 5, not a prime. 16, 2, 8 or 4. 17 is a prime, 18 is not a prime, 19 is a prime. Again 20 is not a prime because it can be divided by 2 or so. Means finally 1 se lekar 20 tak total prime numbers kitne hai, 3, then 5, then 7, then 11, then 13, 17 or 19. These are list of all prime number in between 1 to n. These are all our prime numbers like that. This case when display kiya karan, list out all prime number from 1 to n. Again we are discussing what is the logics for testing given number is prime or not. If any number means strike a problem, some is a sort out kisi karen by using nested loop. Nested loop se just pehle जस्ट अगेन मैं राइट डाउन कर रहा हूं व्हाट इज द लॉजिक फॉर टेस्ट द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. मींस गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं, अगर प्राइम है देन नंबर डिस्प्ले करना, अदरवाइज लीव इट लाइक दैट. सपोज दैट वी आर हैविंग सम नंबर s नंबर. नंबर का वैल्यू मैं रैंडमली कोई भी नंबर असाइन कर रहा हूं यूजिंग स्कैनफ और यूजिंग सम अदर अप्रोच लाइक दैट. नंबर के केस में वैल्यू असाइन करने का नंबर को डिवाइड कहां से कराना है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा वैल्यू के यूज करेंगे. सपोज दैट means number having any value or f equals to 1, 4, I equals to 2, then I less than. Division kab tak karana, up to n by 2 or number by 2. Every time I plus plus. Inside for loop we are providing some conditions, if condition. Is case mein curly brackets ki need bhi nahi hai. Then n modulo by n or number modulo by value of I equal 0. If this condition is true, condition true होने पर immediately f में कैसे करेंगे, value at 0.
एंड ब्रेक दिस लूप, मीन्स इफ कंडीशन बाय डिफॉल्ट कंसीडर एज अ बॉडी ऑफ फोर लूप, देन ब्रेक दिस लूप, मीन्स ब्रेक किसके लिए वर्क करेगा, फोर लूप के लिए, क्लोजिंग बॉडी ऑफ लूप लाइक दैट। इसके जस्ट बाद जब कंट्रोल बार आएगा देन आप डिस्कस करोगे, चेक करोगे वैल्यू ऑफ एफ, अगर एफ का वैल्यू या तो वन फाउंड हुआ या फिर जीरो, अगर एफ का वैल्यू जीरो है देन फॉल्स, वन है देन ट्रू, ट्रू है देन इस प्लेस पर डिस्प्ले के अगर आ लेंगे ट्रू होने के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नंबर परसेंट डी वैल्यू ऑफ नंबर, अदरवाइज सिंपली लीव इट। मीन से लॉजिक इसके लिए चेक द गिवेन नंबर इज प्राइम और नॉट, प्राइम है देन डिस्प्ले हो अदरवाइज नथिंग नो एक्शंस। नंबर के केस में इनिशियली कोई वैल्यू स्पेशली स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं, केस में एज्यूम कर सकते हो एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, मीन से लॉजिक नंबर के किसी भी वैल्यूज के लिए वर्क करेगा लाइक दैट। देन आप टेस्ट क्या करना, मीन्स जस्ट पूछा क्या गया है, मीन्स ऑल प्राइम नंबर डिस्प्ले कराना फ्रॉम वन टू एन, वन टू एन, तो इस केस में फर्स्ट टाइम सपोज दैट अगर नंबर के प्लेस पर नंबर का वैल्यू असाइन करते हैं एज अ वन, नंबर इक्वल्स टू वन, तो नहीं लॉजिक किसके लिए टेस्ट होंगे, वन के लिए। नेक्स्ट टाइम अगर सपोज दैट मुझे टू चेक करना है, टू प्राइम एग नहीं, तो असाइन क्या कराएंगे इस केस में टू, सेम एज मीन्स अगर नंबर का वैल्यू टू है तो नहीं लॉजिक किसके लिए वर्क करेगा, टू के लिए। नेक्स्ट टाइम अगर नंबर का वैल्यू इनिशियलाइज किया थ्री, तो नहीं लॉजिक किसके लिए वर्क करेगा, थ्री के लिए। देन सेम एज फोर असाइन किया तो नहीं लॉजिक किसके लिए वर्क कर रहा है, फोर के लिए। सेम एज फाइव एंड सो ऑन अप टू एन। फाइनली इस केस में एवरी टाइम मीन्स अगर आपको इन सभी वैल्यूज के लिए टेस्ट करना है, मीन्स एट ए टाइम, अभी करंट केस में ओनली किसी सिंगल नंबर के लिए टेस्ट करना है पॉसिबल, अगर सिक्वेंसली वन से लेकर एन तक ऑल नंबर के लिए टेस्ट करना है, देन नंबर के केस में वैल्यू जनरेट किससे कराएंगे, आउटर लूप्स के थ्रू, मीन्स बाई यूजिंग सम आउटर लूप, मीन्स ए पर्टिकुलर लॉजिक प्लेस कहाँ कराएंगे, इनसाइड बॉडी ऑफ आउटर लूप। लेकिन लॉजिकली आउटर लूप कितनी बार मैनेज करने की नीड होगी इस केस में, फ्रॉम वन टू एन, वन टू एन, मीन से लॉजिक डायरेक्टली पुट डाउन करके, अगर सपोज दैट किसी लूप के बॉडी का पार्ट है फोर आई इक्वल्स टू वन, अगर एक से लेकर एन तक लूप चलाना यूज कर रहे हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, एन मीन्स मैक्सिमम रेंज कैपिटल एन, then i++ next time inside body, means jab is case mein loop chalega to loop kitni bar chalega, from 1 to n plus i ke case mein 1 2 3 4 5 ye sare value kiske through maine jaunga, i ke through, isliye every time jab control outer loop ke andar jayega then every time number ka initialization kisse ho jayega, i se, अगर नंबर का इनिशियलाइजेशन आई से हो रहा है तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या पास होगा, वन, सेकंड टाइम टू, थ्री, इस टाइप से ऑल नंबर टेस्ट होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाएगा नंबर प्राइम है देन वैल्यू डिस्प्ले होगा, अदरवाइज लीव इट सिंपली। नेक्स्ट वन, इसके रिस्पेक्ट में टोटल वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, इसे पूरा कंप्लीट लॉजिक पुट डाउन करें इनसाइड बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस लाइक दैट। मीन सबसे पहले प्रोवाइड क्या करना चाहिए, वेरिएबल डिक्लेरेशंस आई कॉमा, इस केस में दोनों ही प्लेस में मैंने सेम वेरिएबल्स यूज किए, इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं जब बाई यूजिंग सम अदर वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम एज जे, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस, इसलिए नंबर में इनिशियलाइज नहीं किसी कराएंगे, समथिंग वेरिएबल है जे, रिमेनिंग एज सेम। नेक्स्ट वन, आई कॉमा जे कॉमा एन कॉमा नंबर कॉमा एफ, देन स्कैन एफ वैल्यू किसके लिए रीड कराना, कीबोर्ड से पोर्ट्स एंटर मैक्सिमम रेंज और एंटर एन, देन स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एन, देन फिनिश इट। इस करेंट लॉजिक्स के थ्रू एक से लेकर एन तक के ऑल प्राइम नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे, आप वन बाय वन इसको टेस्ट कर सकते हैं फोर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, सपोज दैट अगर एन का वैल्यू एंटर किया इस केस में, इफ एन इज एंटर्ड एज 10, टेन के केसेस में जब लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने क्रिएट होना इस केस में, आई जे एन एंड नंबर एंड एफ, देर आर फाइव वेरिएबल्स, एन इस केस में एंटर कितना हुआ है, एन इज
10 मींस एक से लेकर 10 तक के ऑल प्राइम नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इसलिए n का वैल्यू क्या एंटर किया यूजिंग स्कैनफ सपोज दैट 10। नेक्स्ट टाइम जब इनर लूप चलेगा आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप के अकॉर्डिंग j का इनिशियलाइजेशन किससे हो जाएगा 1 से। नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू होने पर नंबर में कैसा हो जाएगा, फर्स्ट टाइम नंबर में j और j का वैल्यू 1 है इसलिए नंबर का वैल्यू भी क्या होगा प्लस, इसके अकॉर्डिंग नंबर इज ऑल्सो 1। एफ में भी कैसा हो रहा है ऑल्सो 1 प्लस, आई में कैसा होगा नेक्स्ट टाइम आई के केस में जब इनिशियलाइज होगा 2। इसके बाद जब 2 से मीन से कंडीशन टेस्ट हो, कंडीशन फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है फॉल्स और ट्रू, आई का वैल्यू 2 है डिवीजन क्या आएगा 0, कंडीशन फॉल्स फॉल्स 12 हुए, एफ का वैल्यू 1 फाउंड हो इसलिए डिस्प्ले किया जाए वैल्यू ऑफ नंबर और नंबर का वैल्यू 1 है इसलिए डिस्प्ले किया जाए फर्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 2, 2 के केस में 2 डिस्प्ले हो जाए, नेक्स्ट टाइम जब आई वैल्यू 3 होगा 3 भी कंसिडर हो जाए प्राइम नंबर। नेक्स्ट टाइम सपोज दैट वेन एवर जे बिकम्स 4, जे बिकम्स 4, जे का वैल्यू 4 होने पर अगेन जब कंट्रोल एंटर होगा नंबर में कैसा हो जाएगा जे, नंबर का वैल्यू भी कैसा हो जाएगा ऑल्सो 4। नेक्स्ट टाइम अगेन एफ में कैसा होगा 1, एफ भी 3 टाइम इनिशियलाइज हो रहा है 1। फाइनली आई इक्वल्स टू 2, आई इज अगेन इनिशियलाइज्ड बाय 2, कंडीशन टेस्टिंग 2 लेस देन इक्वल्स टू एन बाई 2, एन क्या है 4, नंबर बाई 2, नंबर क्या है 4, 4 बाई 2 इज 2 मीन्स कंडीशन ट्रू है, ट्रू है देन नंबर को डिवाइड करेंगे आई से, नंबर क्या करेंटली 4, आई क्या है 2, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए इफ कंडीशन कैसा है ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू है देन बॉडी एग्जीक्यूट हुआ इसके अकॉर्डिंग एफ में साइन हो जाएगा 0, देन कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक से बाहर आएगा कंट्रोल, इफ में एफ पास हो रहा है, एफ पास होने पर कंडीशन एफ का वैल्यू क्या है 0, फॉल्स, प्रीवियस 3 केसेस में एफ का वैल्यू 1 था इसलिए ट्रू था लेकिन इस केस में क्या है 0, कंडीशन फॉल्स है इसलिए अगेन आउटर लूप चले, तो इस केस में फाइनली आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ 3, 5, 7, दिस इज द आउटपुट फॉर गिवन रेंज।